में इस वाले फोन की कैमरा परफॉर्मेंस काफी बेटर होने वाली है। स्नैपड्रैगन 6nm 5G प्रोसेसर, OLED डिस्प्ले विद फास्ट चार्जिंग, 48 मेगापिक्सल AI पोर्ट्रेट कैमरा सेल। हाय गाइस, कैसे हैं? ओप्पो रेनो 7 प्रो वाइस ओप्पो A96 स्नैपड्रैगन एंड डेमोसिटी ओनली वन बेटर। अगर आप बात करें A96 की, मिस देन लेटेस्ट 5G फोन स्नैपड्रैगन 6nm 5G OLED डिस्प्ले एंड फास्ट चार्जिंग एंड मैक्सिमम क्लॉकवाइज स्पीड 2.2 गीगाहर्ट्ज़ ओनली दिस चिप मोस्ट पावरफुल ओनली स्नैपड्रैगन। तो गाइस, ओप्पो रेनो 7 प्रो भी बेटर है, लेकिन यहां पर जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो यहां पर ओप्पो A96 भी मुकाबले पर आ चुका है। ब्रीथिंग लाइट्स, ए पोर्ट्रेट्स, एक्चुअली में यहां पर परफॉर्मेंस निकल कर सामने आ चुकी है ओप्पो A96 की। बेसिकली उसका कंपैरिजन यहां पर आईफोन 30 के साथ हो चुका है, तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों फोन के डिस्प्ले की बात कर ले, जहां पर ओप्पो A96 में हमें मिलेगा OLED डिस्प्ले 6.43 इंच का 85.3 स्क्रीन टू बैटरी रेशियो, बट यहां पर हमें 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। पर कुछ कटिंग की है ओप्पो ने, यहां पर 60Hz का रिफ्रेश रेट है। जहां पर ओप्पो रेनो 7 प्रो की बात करें तो यहां पर 6.53 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। बट OLED डिस्प्ले एंड AMOLED डिस्प्ले में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, बेटर परफॉर्मिंग यहां पर मिल सकती है A96। स्मूथनेस, डिस्प्ले एक्सपीरियंस एंड बैटरी ऑप्टिमाइजेशन एंड्रॉइड 11 पर आएगा, बट कलर OS 12 यहां पर मिलने वाला है। Android 11 में आपको कुछ अपडेट देखने को मिल जाएंगी, सेम Android 11 एंड कलर OS 12 देखने को मिल जाता है, बट यहां पर Qualcomm Snapdragon 695 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6nm पर बेस्ड है। इसकी जो क्लॉक स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ तक है, एक मिड सेगमेंट का चिपसेट होने वाला है, लेकिन परफॉर्मेंस आप कुछ तगड़ी देखने को मिल जाएगी। गेमिंग वाइज है Snapdragon वाला प्रोसेसर कुछ हैंडल हो सकता है। Dimensity 1200 Max जैसे द एंड टू बेंचमार्क स्कोर ऑफ Oppo Reno इज 2 लाख अबव, तो ये परफॉर्मेंस कुछ बेटर है GPU से। तो 7 Pro के आर्किटेक्चर की बात करें तो 4 कोर मिल जाते हैं, 2 गीगाहर्ट्ज़ का कॉर्टेक्स A55, फोटोग्राफी प्रोसेस 6 नैनोमीटर पर बेस है जो Dimensity 1200 Max, Geekbench 5 सिंगल कोर है 981 एंड यहां पर Geekbench 5 मल्टी कोर मिल जाता है 3049। Dimensity 1200 इज 26% बेटर देन Snapdragon 695 इन टर्म्स ऑफ CPU फ्रीक्वेंसीज। आल्सो कीप इन माइंड दैट हाई CPU फ्रीक्वेंसीज अफेक्ट बैटरीज लाइफ थ्रू पावर कंजप्शन। तो Reno 7 में अल्ट्रा नैरो थिंक बेजल मिल जाता है 1.5mm का, ओवरऑल बेजल को लेस देन कर दिए गए। A96 में हल्का सा बेजल आपको मिले, मोस्टली जो अच्छी बात मिलने वाली है, जो फेमस मोस्ट पॉइंट होने वाला है इस वाले फोन का, जो है ब्रीथिंग लाइट। यस गाइस, और भी ब्रीथिंग लाइट दोनों फोन के अंदर ही मिलेगी, बट यहां पर ओप्पो रेनो 7 प्रो में कुछ आपको कैमरा बंप के ऊपर देखने को मिल जाती है, लेकिन ये कैमरा बंप के सेंटर में आपको मिलने वाली है, बॉटम में जैसे ही सर्कुलर टाइप में आपको दोनों कैमराज में ही देखने को मिलेगी। लुक वाइज बहुत फंटेस्टिक बना देती है, अमेजिंग है, आई लाइक दिस, आई एम इंप्रेस्ड। दिस फील्ड में ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी फोन आज तक नहीं है कि जो हमें और भी ब्रीथिंग लाइट दे सके, बट ओप्पो ने इस बार लेटेस्ट कर दिया 2022 में। ट्रिपल कैमरा सेटअप ओप्पो रेनो 7 प्रो मेन 50 मेगापिक्सल, बट सोनी का कस्टम सेंसर मिलेगा IMX766। कैमरा फीचर बोके मोड प्रो, अगर हम A96 की बात करें तो यहाँ पर ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा बैक पर, जिसमें मेन 48 मेगापिक्सल का होगा। एक्चुअली में अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन सा सेंसर मिलने वाला है। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा है और ड्यूल कैमरा यहाँ पर है। प्रोसेसर की बात कर लें तो कुछ फ्लैगशिप प्रोसेसर है, लाइन वाइज भी बात करें कुछ फ्लैट सा डिजाइन होने वाला है। यहाँ पर वही ब्रीथिंग लाइट मिल जाती है, ओवरऑल बैटरी सेम है, लेकिन यहाँ पर प्राइस वाइज भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो इंडियन प्राइस है Reno 7 Pro की 40K के अराउंड अबाउट है, लेकिन जो लीक्स बता रही है कि A96 है इसकी प्राइस आई में इंडियन जो होने वाली है जो 23K तक आने वाली है। नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक आ रहा है, तो देखते हैं पाकिस्तान के अंदर कब आता है। तो लीक्स बता रही है, आप देखते हैं कि कौन सी चेंजिंग मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की बात करें तो अभी तक के लिए जो लीक्स बता रही है ओप्पो रेनो 7 प्रो जो कि है वो कंफर्मली लॉन्च होने जा रहा है बहुत ही जल्द इसी मंथ, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में वेट कर सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड अगर चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।